हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ममून और आप सबको स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं बनाऊंगी आलू गोभी और मटर की सब्जी। तो फिर चले इस रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 600 ग्राम गोभी लिया है। गोभी को मैंने हल्दी और नमक वाला पानी में 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दिया था, ताकि गोभी में जितने भी इम्प्योरिटीज़ है और कीड़े हैं वो सारे साफ हो जाए। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होता है, तो ये गोभी को साफ होने के लिए मदद करेगी। तो यहाँ पे मैंने गोभी को एक प्लेट में छान लिया है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे मैंने पैन को हीट होने के लिए रख दिया था। अब पैन हीट हो चुकी है, तो आप डाल देंगे 3 छोटा चम्मच ऑयल। ऑयल हीट हो जाने के बाद डाल देंगे आलू और गोभी। एक बड़ा साइज आलू को मैंने छिलका निकाल कर छोटे पीसेस में कट करके डाला है। अब इसे हम शैलो फ्राई करेंगे। आप चाहो तो गोभी और आलू को डीप फ्राई भी कर सकते हो। अब आलू और गोभी को हमें फ्राई करना है। कुछ टाइम के बाद आप देख सकते हो कि आलू और गोभी के बीच बीच में ब्राउन स्पॉट आ गया है, तो इसे और ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। अब इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे एक प्लेट में। तो यहाँ पे मैंने आलू और गोभी को ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसे साइड में रख देंगे। अब वापस सेम पैन में 3 से 4 छोटा चम्मच ऑयल डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा चटक जाने के बाद डाल देंगे प्याज। 2 मीडियम साइज प्याज लिया है मैंने। अब प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि प्याज यहाँ पे फ्राई हो चुकी है। तो अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब इसे भी हमें 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है, या फिर तब तक इसे फ्राई करें जब तक इसका कच्चा स्मेल दूर ना हो जाए। जैसे ही ये सारे फ्राई हो जाएगा, तब डाल देंगे टमाटो पेस्ट। 2 मीडियम साइज टमाटर लिया है मैंने। अब इसे बाकी मसालों के साथ मिला देंगे। अब इसे भी हमें 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है, ताकि टमाटो अच्छे से फ्राई हो जाए। 2 से 3 मिनट यहाँ पे हो चुकी है। अब इसे वापस चला देंगे। चलाने के बाद ऐड कर देंगे नमक। यहाँ पे मैंने 2 छोटा चम्मच नमक रखा है, आप आपकी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। लाल मिर्च पाउडर 2 छोटा चम्मच डाल देंगे। तीखा कम या ज़्यादा आप आपकी हिसाब से डालें। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। अब सारे मसालों को मिला देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके सारे मसालों को अच्छे से पकने देंगे। अब ये सारे कुकिंग प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करने के लिए मैंने पैन को कवर करके पकाया है। 5 से 7 मिनट के लिए हम इसे पकने देंगे लो फ्लेम पर। 7 मिनट के बाद मैंने कवर को हटाया है। अब इसे चला देंगे। अब इसमें डाल देंगे हरा मटर। मटर यहाँ पे मैंने 1 कप लिया है, वो भी फ्रेश वाला लिया है मैंने। आप चाहो तो फ्रोजन वाला भी ले सकते हो। मटर को यहाँ पे मैंने बाकी मसालों के साथ मिला दिया है। अब पैन को कवर करके और कुछ टाइम के लिए हम इसे पकने देंगे। कुछ टाइम के बाद मैंने कवर को हटाया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मसाला यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब सारे मसालों को थोड़ा सा चला देंगे। चलाने के बाद डाल देंगे फ्राई हुआ आलू और गोभी। अब सारे सब्जी को मसालों के साथ मिक्स कर देंगे। अब इसे ऐसे ही पैन को कवर करके कुछ टाइम के लिए हम पकने देंगे। फ्लेम को लो पे रखेंगे। कुछ टाइम के बाद मैंने कवर को हटाया है। अब इसे हम थोड़ा सा चला देंगे। चलाने के बाद ऐड करेंगे पानी। पानी यहाँ पे मैंने 1 कप रखा है। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप ग्रेवी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पानी ले सकते हो।
अब इसे चला देंगे। अब इसे चलाने के बाद पैन को कवर करके गोभी और आलू को हम सॉफ्ट होने देंगे। 5 से 6 मिनट के बाद मैंने कवर को हटाया है, तो यहाँ पे आप देख सकती हो कि सारे सब्जी यहाँ पे सॉफ्ट हो गया है और ग्रेवी भी थोड़ा सा थिक हो गया है। अगर आपको सब्जी थोड़ा और ड्राई पसंद है तो आप फ्लेम को हाई करके और कुछ टाइम के लिए पका सकते हो। अब इस सब्जी को थोड़ा सा चलाने के बाद डाल देंगे 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। अब ये मसाला को सब्जी के साथ हम मिला देंगे। अब गैस को ऑफ कर देंगे। अब एंड में डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। अब धनिया को भी हम मसाले के साथ मिला देंगे। अब हमारा आलू गोभी और मटर की सब्जी बनके तैयार। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।